हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो ये हमारा क्या है नाइट्रोजन साइकिल? हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे साइकिल होते हैं, जैसे रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, उसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। और भी गैसेस होते हैं, लेकिन जो हमारा अबंडेंट गैस है वो हमारा नाइट्रोजन है, और आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हमारे सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे। हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गे है और बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिसीव करके उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करता है। हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज होता है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है। एनिमल्स अपने फूड के लिए इन प्लांट्स को यूज करते हैं, इन्हें फीडअप करते हैं, उस पर खाना खाते हैं, और फिर उनके डेथ के बाद या फिर उनके रिएक्शन होता है, फिर उनके डेथ के बाद वापस वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, फिर से वो हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है। हमारा दो वे होता है, एक वे होता है वे बैक्टीरिया और एल्गे के द्वारा वो कंपाउंड्स में चेंज होता है। जो दूसरा मेथड होता है हमारा लाइटनिंग के द्वारा, लाइटनिंग के मेथड से भी हमारा जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज होता है। फिर प्लांट्स यूज करते हैं, वो एनिमल्स के पास ट्रांसफर होता है उनके फूड के फॉर्म में, फिर से वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनता है। इसके बाद जो नाइट्रोजन कंपाउंड है हमारा, इसमें बैक्टीरियाज और एल्गे एक्ट करते हैं, और इसमें से कुछ नाइट्रोजन वापस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बनता है, और कुछ वापस हमारे प्लांट्स के यूज में आता है। फिर से प्लांट्स उस पर अपना फीडअप करते हैं, एनिमल्स के द्वारा यूज होता है, फिर से हमारा कंपाउंड बनता है, और कुछ हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दोबारा बन जाता है। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन साइकिल चलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।